मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? और आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है गुरु नानक जयंती और अभी भी बस मैं जस्ट शावर लेके आई हूँ। मैंने मशीन सुबह ही लगा दी थी जैसा कि आपने देखा। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की है, जब भी मैं ये ग्रीन टॉप पहनती हूँ तो मेरा फ़ोन ना येलो वाइट ऐसा होता रहता है। क्या आपको भी मेरे वीडियो में ऐसा लगता है? अभी वाइट चल रहा है, थोड़ी देर में ये येलो हो जाएगा। पता नहीं कि जब भी मैं ग्रीन टॉप पहनती हूँ तब ऐसा होता है। एनीवेज छोड़िए, तो बस अभी मैंने अपना स्किन केयर किया है। आजकल मैंने अपना येलो हो गया, वाइट हो गया, आजकल मैंने अपना स्किन केयर फिर से चेंज कर दिया क्योंकि अभी विंटर्स आ गए हैं। तो मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग के जो सीरम रखे थे या आर्गन ऑयल रखे थे आप वापस से उसको निकाल लीजिए अब, क्योंकि ठंड आ गई है। अगर आप लोग ने गर्मियों में बंद कर दिया था तो ये है मेरा गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम, जो कि मैं लास्ट ईयर मैंने परचेज़ किया था और जब गर्मियाँ आई थी तो मैंने इसको बंद कर दिया था यूज़ करना। तो इसमें ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा बहुत ही बचा है, लेकिन जो भी बचा है बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है। तो गाढ़ा होने की वजह से पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या ये गाढ़ा हो जाता है रखने से। अगर आप लोग भी इसको यूज़ करे हैं और ये थोड़ा सा थिक हो गया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ठीक है ना। क्योंकि अभी इसकी जो इसका बेस्ट बिफोर है वो 2021 का है, तो अभी तो ये ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन ये गाढ़ा क्यों हो गया मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले ये इतना गाढ़ा नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट बनाते हैं, टाइम हो रहा है 9:15 होने वाले हैं, 9:10 है। तो अब बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट। पीहू के डैडी अभी आए नहीं हैं, वो जिम गए हैं। और चलिए मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता है आखिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँ क्या। तो बस अब जा रही हूँ किचन में, बनाऊँगी कुछ। तो चलिए आप भी चलिए साथ में और बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है और आज बस मैंने पोहा बनाया था इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया है। और अब मैं यहाँ पे जो मैंने कपड़े लगाए थे वो रगड़ गए हैं, तो मैं उनको वॉश करने के लिए डाल रही हूँ, मतलब पहले पानी से धुलेगा फिर उसको ड्रेन में करके ऐसे ड्राई करने के लिए लगा दूँगी। साथ में मैं किचन की सफाई क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ क्योंकि हमारे ब्रेकफास्ट जो है वो हो गया है और जो ब्रेकफास्ट का बर्तन निकला है उसको भी क्लीन करना है। दूध मैंने उबलने के लिए रखा है, तो एक साथ दो तीन काम होते जा रहे हैं वरना फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और आपको तो पता ही है लेडीज़ें बैठती ही कहाँ हैं, एक साथ दो तीन काम करती रहती हैं, तो बस वैसे ही मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ। अभी मैंने दूसरा राउंड कपड़ा भी रगड़ने के लिए डाल दिया है। Mary had a little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, it followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, it made the children laugh and play. तो फ्रेंड्स, हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है और अब मैंने कपड़े जो लगाए थे वो मैंने एक राउंड तो फैला दिए हैं, अभी नेक्स्ट राउंड वो चल रहा है और अब मैं वो वॉश हो जाएगा तो मैं उसको भी ड्रेन करने के लिए डालूँगी। तो चलिए, हाँ बज गया है, बजर बज गया है और कपड़े वॉश हो मतलब रगड़ गए हैं, तो अब मैं उसको डाल देती हूँ वॉश होने के लिए। Mary had a little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And then
तो कपड़े वॉश करने के बाद और लंच करने के बाद मैंने किचन क्लीन कर दिया है और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ अब बाहर। और मैं जा रही हूँ कहाँ ये आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ आज मूवी देखने अपनी फ्रेंड के साथ, वो भी बिना हस्बैंड के। जी हाँ, आज मैं बिना हस्बैंड के, बिना पतिदेव के, मतलब उनके बिना आज मैं पहली बार कोई मूवी देखने आई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। तो कौन सी मूवी है ये आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went and... तो जी हाँ, आप ऐड देख करके समझ गए होंगे, बैनर देख के, कि हम बाला मूवी देखने आए हैं। और अच्छी मूवी है, एंटरटेनिंग है, अगर आप चाहें तो आप ज़रूर देखने जा सकते हैं। तो चलिए मूवी इन्जॉय करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had... तो फ्रेंड्स, अब मूवी ख़त्म होने वाली है और अब हम लोग जाएंगे अपने घर। तो बस अब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मूवी कैसी थी और मिलवाती हूँ मैं आपको अपनी फ्रेंड से। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ कैमरे के आगे आकर। हम लोगों ने मूवी देख ली है और ये है मेरी फ्रेंड भावना। और कैसी लगी मूवी? मस्त थी, हमने बहुत टाइम की बात देखा, हमारी फर्स्ट मूवी। यस, ये हमारी फर्स्ट मूवी थी जो कि हम लोग ने एक साथ देखी है। अभी नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है। यस, चलो फिर अभी मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। जस्ट अभी अभी घर आई हूँ और अब मैं अब चेंज वेंज कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो कपड़े चेंज करने के बाद मैंने अपने लिए आधी कप चाय बनाई और आज मैंने ग्रीन टी नहीं पी, मैंने दूध वाली चाय बनाई और फिर मैंने थोड़ी सी नमकीन और चाय पिया। बहुत अच्छा लगा, चाय पी के बहुत रिलैक्स फील हुआ। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी और रोटी, और दही रहेगा, चटनी है। तो आज यही डिनर हमारा रहेगा, सिंपल सा। तो बस मैं यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी छौंक रही हूँ जीरे और हींग से। टमाटर को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और चलिए फिर जल्दी से आलू मटर टमाटर सब्जी बनाते हैं। आटा मैंने गूंथ के लगा दिया है। तो बस ये सब करके फिर मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little...
जैसा कि आपने देखा कि मैंने आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना ली है और फिर मैंने एक चपाती बना के रोटी बना के पीहू को खिला भी दिया है क्योंकि पीहू को भूख लग रही थी और आज पीहू आफ्टरनून में सोई भी नहीं है, तो मैं अब उसको सुला दूँगी और अब फिर और रोटियाँ बनाऊँगी, चपाती बनाऊँगी और फिर हम लोग भी डिनर कर लेंगे। तो बस फिर अब इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश कर देती हूँ क्योंकि अब फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा व्लॉग और फिर क्या मतलब थक भी गई हूँ अब मैं। और पीहू यहाँ पे खड़ी है, पीहू से हाय, ओनली हाय। तो चलिए फिर इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। तब तक आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय बाय।